गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फरी एक बार आप एमसीक्यू टेस्ट में यूनिट नंबर 4 एमसीक्यू टेस्ट तरीके जा रहा है। तो यूनिट नंबर 4 में एमसीक्यू टेस्ट आप तैयार थी जाओ। पहलो प्रश्न आप जुए छे। पहलो क्वेश्चन से स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 1 and 5, 8 इज ब्लैंक्स। गुजराती में कहू कि बिंदुओ -2, 1 and 5, 8 माथी पसार थती रेखा ढाळ खाली जगह है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी -7 एंड ऑप्शन डी 7। बन्ने पॉइंट्स आपेला छे, फाइंड तमारे स्लोप करवानो छे, मतलब ढाळ फाइंड करवानो छे। जे आंसर आवे आमांथी ए लखी राखो अने गूगल फॉर्म में टिक करशो। सेकंड क्वेश्चन में आपणे जोईए स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर पाई बाय 6 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्सिस इज ब्लैंक्स। गुजराती में कहूँ कि एक्स अक्षनी धन दिशा साथ, एक्स अक्षनी धन दिशा साथ पाई बाय 6 मापनो खूणो बनावती रेखानो ढाळ खाली जगह है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1/√3 एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। आंसर नोट्सबुक में लखी राखो अने पछी एने गूगल फॉर्म में राइट करवानो छे। थर्ड एमसीक्यू छे तमारो, स्लोप ऑफ द लाइन साइन आल्फा इंटू एक्स प्लस कॉस आल्फा इंटू वाय इज इक्वल टू 8 इज ब्लैंक्स। ऑप्शन ए आपेलू छे 10 आल्फा, बी छे -10 आल्फा, सी कॉट आल्फा एंड डी -कॉट आल्फा। गुजराती में आवुं कह्युं छे कि रेखा साइन आल्फा इंटू एक्स प्लस कॉस आल्फा इंटू वाय इज इक्वल टू 8 नो ढाळ खाली जगह छे। ऑप्शन ए छे 10 आल्फा, बी -10 आल्फा, सी कॉट आल्फा एंड डी -कॉट आल्फा। ऑप्शन नंबर 4, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 5x+3 इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 5x+3 इज इक्वल टू 0 इज अ ब्लैंक्स। रेखा 5x+3 इज इक्वल टू 0 नो वाई अंतःखंड खाली जगह छे। ऑप्शन ए छे -5/3, ऑप्शन बी आपेलो छे 3/5, सी ऑप्शन छे -3/5 अने डी ऑप्शन छे 0। ચારમાંથી એક ઓપ્શન તમારે ચૂઝ કરવાનો છે અને એને તમે લખી રાખી ગૂગલ ફોર્મમાં ટિક કરી શકો છો। ऑप्शन नंबर 5 छे, इफ द इक्वेशन x² + p + 3xy + y² + 14x - 16y + 8 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल देन p इज इक्वल टू ब्लैंक्स। वर्तुणनु समीकरण तमने आपेलू छे, x² + p + 3 × xy + y² + 14x - 16y + 8 इज इक्वल टू 0 हो तो पी नी किंमत खाली जगह छे। हियर गिवन इक्वेशन देन फाइंड पी। ऑप्शन ए तमने आपेलो छे 1/3,
ऑप्शन बी में है 3, सी में है -3 एंड डी 0। कोई एक ऑप्शन चूज करो अने लखी नाखो। छ नंबर में है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू 18 इज ब्लैंक्स। वर्तुळनुं समीकरण आपेलू छे एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू 18 नी त्रिज्या, रेडियस एटले त्रिज्या, खाली जगह छे। ऑप्शन ए छे 2 अंडर रूट 3, बी ऑप्शन आपेलू छे 3 अंडर रूट 2, सी ऑप्शन छे 2 अंडर रूट 2 एंड डी ऑप्शन छे 3 अंडर रूट 3। कोई एक ऑप्शन ने चूज करी दो। साचो ऑप्शन चूज करो अने गूगल फॉर्म में टिक करशो। सात नंबर में छे द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू 36 एट अ पॉइंट 60 इज ब्लैंक्स। वर्तुळनुं समीकरण आपेलू छे, तमारे 60 માંથી પસાર થતા ટેન્જન્ટનું મૂલ્ય અરે સમીકરણ મેળવવાનું છે। ઓપ્શન એ છે એક્સ માઇનસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બી ઓપ્શન છે એક્સ પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ઓપ્શન સી છે વાય પ્લસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ડી ઓપ્શન છે વાય માઇનસ 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। ટેન્જન્ટનું ઇક્વેશન મેળવવાનું છે। एट नंबर में आपेलू है तमने द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट अंडर रूट 0 10 इज ब्लैंक्स। वर्तुळनुं समीकरण आपेलू है एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इज इक्वल टू 0, बिंदु वर्गमूल में रूट 10 0 में पसार थता नॉर्मलनुं समीकरण तमारे शोधवानुं छे। ऑप्शन ए छे y इज इक्वल टू अंडर रूट 10, बी ऑप्शन छे y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी छे x इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अने डी ऑप्शन छे माइनस अंडर रूट 10। त्यार पछी नौ नंबर में नाइन्थ में स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ब्लैंक्स। रेखा 2x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 नो ढाळ खाली जगह छे। ऑप्शन ए छे 5/2, बी ऑप्शन छे -2/5, ऑप्शन सी छे 5/2 अने डी ऑप्शन छे -5/2। कोई एक साचो આન્સર આપેલું છે એને ગણતરી કરી અને ચૂઝ કરવાનો છે અને એને ગૂગલ ફોર્મમાં ટેક કરવાનો છે। ટેન્થ નંબરમાં સ્લોપ ઓફ ધ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ લાઇન 2x પ્લસ 3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 ઇઝ બ્લેન્ક્સ। રેખા 2x પ્લસ 3y इज इक्वल टू 7 ने लंब रेखानो, ने लंब रेखानो परपेन्डिकुलर लंब, ने लंब रेखानो ढाळ खाली जगह छे। फरीथी एक वार, स्लोप ऑफ द लाइन परपेन्डिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इज ब्लैंक्स। ऑप्शन ए आपीए छे 2/3, ऑप्शन बी छे 3/2, ऑप्शन सी छे -2/3, ऑप्शन डी छे -3/2। चारमांथी एक साचो ऑप्शन छे, गणतरी करी अने गूगल फॉर्म में टिक करशो। ओके,